तारीख को तो हम लोगों ने जयपुर का आदेश था दुकान खोलने का, जो निर्गत हुआ था दिनांक 6/5 को, जिसमें इलेक्ट्रिकल गुड्स और ऑटोमोबाइल निर्माण सामग्री की दुकान खोलने का परमिशन दिया गया था, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। क्योंकि दुकानें बंद रहने से कई लोगों को कठिनाई हो रही है, और पिछले 7 दिनों में कोरोना का कोई पेशेंट नहीं मिला है, पॉजिटिव पेशेंट। इसके आलोक में आज ये जिला स्तर पर समीक्षा करके निर्णय हुआ है कि नगर परिषद सहरसा का संपूर्ण क्षेत्र और सोनभद्र का समोरा और सिमरी बख्तियारपुर का मदनपुर जो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है, उसको छोड़ के, उस क्षेत्र को छोड़ के अन्य सभी क्षेत्रों में जो पूर्व के वासी का आदेश है वो लागू रहेगा। और जो आप दुकान खोलने का परमिशन मिला था पूर्व में, इन क्षेत्रों के अलावा उन क्षेत्रों में खोलने का परमिशन अनुमति दे दी गई है। नगर परिषद क्षेत्र में भी एक कंटेनमेंट जोन सहरसा बस्ती बना हुआ है, इसमें वार्ड नंबर 38, 31, 33 है। तो उन वार्डो को छोड़ के, तो वहां पे तो स्ट्रिक्ट मनाही है मूवमेंट का, अन्य वार्डो में आवश्यक वस्तुओं के दुकानों को खोलने और आवश्यक सेवा प्रदाताओं के प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये तत्काल प्रभाव से लागू है, और जैसे जैसे जो हम लोग देखें COVID-19 का सिचुएशन जिला में, वैसे वैसे और दुकान खोलने का परमिशन दिया जाए।